चंदन संपदः लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन या शरीर शोधन के आयुर्वेदिक तरीके के बारे में बताएंगे। यह कई गंभीर और पुरानी बीमारियों के लिए रामबाण है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है शरीर के विष को साफ करना, उसकी सफाई करना। शरीर के लिए नियमित डिटॉक्स और क्लिंजिंग बेहद जरूरी है और आयुर्वेद इसके लिए कमाल कर सकता है। डिटॉक्स डाइट मुख्य रूप से शरीर से विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने, स्वास्थ्य में सुधार और वजन कम करने में भी मदद करती है। बिजी लाइफस्टाइल वाले और अनहेल्दी फूड्स का सेवन करने वाले लोगों के लिए समय समय पर एक डिटॉक्स की निश्चित रूप से जरूरत होती है। शरीर से अगर इन विषाक्त पदार्थों का बाहर नहीं निकाला गया समय पर, तो इससे हमारी आंत में बैक्टीरिया फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा शरीर में गंदगी की वजह से कई अन्य पाचन से जुड़ी समस्या भी हो सकती हैं, इसलिए डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की गंदगी प्राकृतिक रूप से खुद ब खुद साफ हो सकती है, इसलिए आयुर्वेद के कुछ जरूरी नियमों को फॉलो करने की हमें आवश्यकता होती है। वहीं आयुर्वेदिक डिटॉक्स डाइट के बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं। पंचकर्म के जरिए शरीर शोधन की क्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल माहेश्वरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो डॉक्टर आंचल जी का एक परिचय मैं आपको बता देती हूँ। आपने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखंड से बीए एमएस किया है। हरिद्वार से योग में आपने डिप्लोमा और मुंबई से स्त्री रोग और प्रसूति में सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री भी आपने ली। आपने केंद्रीय अनुसंधान संस्थान केरल से पंचकर्म पर कोर्स किया है। देश विदेश में सेमिनार में आप हिस्सा ले चुकी हैं। आयुर्वेद पर आपने कई लेख लिखे हैं और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए आचार्य मुकुंदी लाल स्मृति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये था आंचल माहेश्वरी जी का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी आज के विषय से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शुभम करोतु कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदः लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा। तो कॉल करके आप सलाह ले सकते हैं आज के विषय पर और लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलेंगे उन नंबर पर आप कॉल करें। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आंचल माहेश्वरी जी हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आंचल आपसे यहाँ पर ये, क्योंकि आज हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि आखिरकार ये होता क्या है, तो इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, डिटॉक्सिफिकेशन जब बात करते हैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो पंचकर्मा उसके लिए सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। पंचकर्मा के द्वारा हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। पंचकर्मा बेसिकली सेलुलर लेवल का, जो बॉडी में ईच एंड एवरी सेल है उसका क्लिंसिंग है। हर एक बॉडी सेल्स को अगर हम क्लिंसिंग करना है, सफाई करनी है, तो पंचकर्म के माध्यम से किया जा सकता है। पंचकर्म में अनेक पंचकर्म का मतलब पांच कर्म जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसे पंचकर्म बोलते हैं। इन पंचकर्मों में पांच में वमन, विरेचन, वस्ति, नस्यम और रक्तमोक्षण, इस तरह से पांच कर्मों को मिला के पंचकर्मा बना। वमन जो कर्म है, हमारी बॉडी में तीन दोष मुख्यतः प्रेजेंट होते हैं, जैसे वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात दोष के लिए हमें वस्ति कर्मा हम करवाते हैं, पित्त दोष के लिए विरेचन करवाते हैं और कफ दोष के लिए वमन कर्म करवाते हैं। इसके अलावा नस्यम और रक्तमोक्षण, जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में
जो दोष हैं, अगर वो उत्कृष्ट हमारे जो उदर जत्रों के जितने भी ऑडी ऑर्गन्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके लिए हम नस्यकर्मा करवाएंगे। और रक्त मोक्षण जब ब्लड में, खून में अगर कोई खराबी होती है, जैसे कि स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स वगैरह में, तो उनमें हम रक्त मोक्षण करवाते हैं। इस तरह से बॉडी के जब अगर दोष, आयुर्वेद में बोला गया है कि पंचकर्म, ऐसा नहीं है कि आप दोष हैं तभी आप पंचकर्मा करवाएं, अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तब भी आप पंचकर्मा का सहारा लेके अपनी बॉडी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो इन सबके लिए हम पंचकर्मा, और आजकल का जिस तरह का लाइफस्टाइल है, तो हम ऐसा कही नहीं सकते हैं कि आपकी बॉडी में दोष होंगे ही नहीं। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं, स्वस्थ अच्छा खाना भी खाते हैं, तब भी आपकी बॉडी में अनेक दोष, जैसे इतना पोल्यूशन है आजकल क्या, हम सिनेरियो देखें एनवायरमेंट में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इसके लिए हम नस्यम कर्मा, एक पंचकर्म का ही एक पार्ट है जिसे हम नस्यम कर्मा कहते हैं, उसके थ्रू हम अपने बॉडी से जितने भी ये पोल्यूशन लेवल है जो हमारी नाक के थ्रू अंदर जा रहा है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जा रहा है, उसमें हम नस्यम का सहायता लेके जो एलर्जिक कंडीशन है उससे बच सकते हैं। इसी तरह से जो विरेचन कर्मा है, हम जितने भी पित्त प्रधान, जितने भी एसिडिक फूड आइटम्स खा रहे हैं या पेस्टिसाइड्स मिला हुआ जो भोजन है, जिसको हम दाल चावल या फ्रूट्स भी हम कहते हैं कि अच्छा भोजन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत केमिकल्स हैं, तो उसकी क्लिनसिंग के लिए भी हम विरेचन कर्म का सहायता लेते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ओबीज हैं, जिनका वेट ज्यादा है, तो उनके लिए हम वमन कर्मा कराते हैं, क्योंकि उनको हम कफ दोष प्रधान समझा जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी रक्त मोक्षण की, जिनको स्किन डिसऑर्डर्स हैं, सोराइसिस है या फिर कुष्ठ रोग है, उनके लिए हम रक्त मोक्षण का सहारा ले सकते हैं। जो घाव है, जो ऐसे घाव है जो हील नहीं होते, उसमें रक्त मोक्षण बहुत अच्छे से किया जाता है। बात करते हैं वस्ती कर्मा के लिए भी, जहाँ पर जॉइंट डिसऑर्डर्स आते हैं, जितने भी वात प्रधान दोष हैं, उनमें हम वस्ती कर्म का सहायता लेते हैं। तो और साथ में ये बात हमने करी डिसऑर्डर्स के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप सोचते हैं आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम पंचकर्म ले सकते हैं। उसके हिसाब से आयुर्वेद में बताया गया है ऋतुओं के हिसाब से, जैसे वमन कर्म जो हमने बात करी थी कफ दोष के लिए, तो उसके लिए हम बसंत ऋतु में वमन कर्म करते हैं, इसी तरह से शरद ऋतु में विरेचन कर्म करते हैं, और वस्ती के लिए हम जो मानसून सीजन है, वर्षा ऋतु जो है, उसमें हम वस्ती का सहारा लेके अपनी बॉडी को क्लिनसिंग रेगुलर रूटीन पर करते रहें, तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर पंचकर्मा को लेकर बात की, तो मेरे मन में सवाल आया, मैंने कई बार सुना है आयुर्वेद में पूर्व कर्मा को लेकर भी चर्चा की जाती है, तो पूर्व कर्मा क्या है, ये क्या कुछ प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी बताएं, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये जो पंचकर्म के मैंने पांच मेन प्रोसेस आपको बताए, वमन विरेचन वाला, इसको करने से पहले हमें बॉडी का प्रिपरेशन करना पड़ता है। हम डायरेक्टली पंचकर्म नहीं कर सकते हैं, हम किसी का डायरेक्टली वमन नहीं कर सकते हैं, विरेचन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप जिससे पंचकर्मा करवा पाए, बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके लिए हम पूर्व कर्म करते हैं। पूर्व कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली तीन इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें हम दीपन पाचन, स्नेहन और स्वेदन। दीपन पाचन से मतलब है कि आपकी जो जठराग्नि है, आपकी जो अग्नि है, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है, वो इस तरह से बना दिया जाए कि आप आगे का जो मेन प्रोसेस है वो ले पाए। फिर बात आती है स्नेहन की, बॉडी में ओलिएशन, अभ्यंगम, बॉडी में ऑयल का एप्लीकेशन, या फिर इंटरनल ऑयल का जो हम करते हैं उसे हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं स्नेहन। वो इसलिए किया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी के जो दोष हैं उन्हें कोष्ठ में ला दिया जाए। कोष्ठ यहाँ पर समझा जाएगा आमाशय को, आपके स्टमक को, आपकी बॉडी से जितने भी दोष हैं हम स्नेहन के माध्यम से, स्वेदन के माध्यम से कोष्ठ में ले आते हैं। फिर जो हमने बात करी थी मेन प्रोसेस की, जिसे हमने बोला वमन विरेचन, उसके थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वमन में हम बॉडी के जो दोष हैं, कफ दोष को मुंह के मार्ग से बाहर निकालते हैं, विरेचन में हम एनल रूट के थ्रू लूज मोशंस इंड्यूस करवा के बाहर निकालते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे कि पंचकर्मा को लेकर बात की, तो इसके प्रोसेस को लेकर भी बताइए कि कितना समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल ऋषु जी। इसमें पंचकर्म हम बात करें तो हमारे पास पेशेंट्स के फोन आते हैं, ये कॉल्स आती हैं, पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं मैम मेरे पास एक ही दिन है पंचकर्मा करवाना है। केवल शरीर पे ऑयल के एप्लीकेशन, आजकल ये बहुत मिसलीडिंग रहता है कि पंचकर्मा कराने, बॉडी पे मसाज करानी है, ये पंचकर्मा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर क्लासिकल पंचकर्मा कराना चाहते हैं तो एक कर्म के लिए कम से कम 11-12 दिन लगते हैं। वस्ती के अलग अलग टाइम्स होते हैं, जैसे वस्ती 8 दिन की भी वस्ती हो सकती है, 16 दिन की भी हो सकती है, 30 दिन की भी हो सकती है। अगर पूरा प्रोसेस कराना चाहते हैं तो आपको महीने भर का समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेस कराना है। वमन, अगर हम प्रॉपर वमन कर्मा कराते हैं तो उसके लिए 12 से 15 दिन का समय लग सकता है, और ये डिपेंड कर सकता है कि आपको
क्या प्रॉब्लम है, अगर आप स्वस्थ हैं तो हम उसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, विरेचन में भी इसी तरह से 12 से 15 दिन लग सकते हैं। अगर आप पूरा संसर्जन कर्म, यानी अभी हमने पूर्व कर्म के बारे में बात करी थी, इसी तरह से पश्चात कर्म भी होता है। पश्चात कर्म का मतलब जब आपका प्रोसेस हो गया, आपको नॉर्मल आपको होना है, तो हम कुछ स्पेशलिस्ट डाइट बताई जाती है जो कि संसर्जन कर्म या पश्चात कर्म करी जाती है, तो उसको मिला के आपको 12 से 15 दिन का समय नॉर्मली लगता है इसको हम, लेकिन शॉर्ट या बड़ा भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज ए पर्सन। बिल्कुल, अभी आपने डाइट को लेकर बात की और आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो आयुर्वेद में तो आहार पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आज के विषय को लेकर, खास तौर पर डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर, तो इसके दौरान क्या कुछ डाइट के लिए कहा जाता है, किस तरह का आहार लेना चाहिए? हाँ, यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप हर कुछ नहीं खा सकते, बहुत हमने जगह देखा कि जो स्पास इस तरह के सेंटर्स खोल गए वो पंचकर्मा कर रहे हैं, कुछ भी खाने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं बार बार यही समझाना चाहूंगी दर्शकों को, खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया या पतला मंडपिया, इस तरह की जाइए जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, आपकी बॉडी में जाएं और वो डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय ना लगाएं। हल्का लघु आहार, ताजा बना भोजन, वही आपको आहार में लेना चाहिए। पूरे पंचकर्मा में आपको जो पानी का है इंटेक है वो हम उष्ण जल ही बोलते हैं, गर्म पानी ही उसमें पिए। केवल आहार के नहीं, विहार के बारे में इसमें हमें बोला जाता है कि रात को आपको टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, किस तरह से आपको दिनचर्या का और रात्रिचर्या का पालन करना है, वो पंचकर्मा में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, आहार को लेकर अगर यहाँ पर बात करें तो कई और सवाल मन में है डॉक्टर आंचल, कि क्या यह विभिन्न प्रकृति जैसे वात, पित्त और कफ के लिए अलग अलग डिटॉक्सिफिकेशन आहार दिया जाता है इस दौरान? हाँ, प्रोसेस के हिसाब से हमें डिटॉक्सिफिकेशन आहार दिया जाता है। जैसे अगर हम वस्तिकर्मा कर रहे हैं तो हमें उसमें वात को खत्म करने वाले, वात को पेसिफाई करने वाले आहार विहार, लेकिन सब चीजों में कॉमन ये है कि आपको लघु आहार विहार ही लिया जाता है। जल को उष्ण लिया जाता है, गर्म कच्ची चीजें, रॉ मटेरियल्स, आपको जैसे कि हम बोले डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया या फिर फ्रूट्स हो गए, उस चीज का आहार विहार आपको मना कर दिया जाता है। बॉइल्ड लौकी, बॉइल्ड परवल, बॉइल्ड तोरई की सब्जी, टिंडा, इस तरह के आहार विहार को हमें ज्यादा हमें इंटेक करना होता है, बल्कि बोले तो वो ही लेना होता है। चाय, कॉफी, इन सब कुछ चीजों को टोटली बंद करना पड़ता है, तभी हम पंचकर्मा का उचित परिणाम या उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप आहार विहार कुछ भी लेते रहेंगे साथ में पंचकर्मा कराएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो कि पंचकर्मा से मिलने चाहिए। और फिर उसके बाद पंचकर्मा बहुत लोग इस तरह से करते हैं और उसके बाद आयुर्वेद बदनाम होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आहार विहार इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहीं भी पंचकर्मा कराएं, कुछ दिन के लिए आहार विहार पर बहुत ही इंपॉर्टेंस दें, हल्का लघु भोजन ही करें, यह पंचकर्मा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जी, तो डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप भी कॉल कर सकते हैं, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करें और डॉक्टर आंचल लगातार हमें जानकारी दे रही हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई भी सवाल है। तो मैम ये बताएं कि डिटॉक्सिफिकेशन आहार को कितने समय तक और कितने वक्त के बाद दोबारा अपनाना चाहिए? हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन आहार जो होता है वो तो आप पूरे प्रोसेस में जब हमारा पंचकर्मा चल रहा है उसमें आपको अपनाना चाहिए, लेकिन हम पेशेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन करवाया है तो आप तुरंत ही कोई ऐसी चीजें ना लें, आपने डिटॉक्स करवाया लेकिन आप तुरंत उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, आप मैदा की बनी चीजें खा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं तो बॉडी में आप फिर से अपने दोषों को बुलावा दे रहे हैं। एक बार जब पेशेंट या पर्सन कोई भी पंचकर्मा ले लेता है तो उसको अपनी बॉडी की अच्छे से पहचान हो जाती है, वो बहुत ही लिमिट मात्रा में जितना वो हमारी बॉडी को आवश्यक है वो खुद ब खुद उतना ही भोजन लेता है। विरेचन में, वमन में ऐसा हमने देखा है जनरली कि 12 दिन का हमने जैसे प्रोसेस करते हैं तो 3 से 4 किलो का नॉर्मली वेट लॉस हो ही जाता है। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी से दोष तो निकल ही जाते हैं, साथ में जब आपका भोजन इस तरह से करवा दिया जाता है जैसे हम बोल रहे हैं लघु आहार, तो पेशेंट को खुद से इतना अच्छा फील होता है कि बाद में उसको लेने का जंक वगैरह लेने की इच्छा ही नहीं होती है, वो अपनी शरीर की क्षुधा को, अपनी भूख को पहचान जाता है और वो उसी हिसाब से भोजन करता है। बात का अगर यहाँ पर हम करें कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हमें कब करवाना चाहिए, तो स्वस्थ मनुष्य को जो हेल्दी है उसको ऋतु के अनुसार हम पंचकर्मा करवाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला वमन, बसंत ऋतु में जो फरवरी मार्च का सीजन होता है उसमें हमें वमन कर्म करवाना चाहिए। विरेचन के लिए जो शरद ऋतु होती है उसमें हमें विरेचन करवाना चाहिए और जो हमारा वस्तिकर्मा है उसे हमें वर्षा ऋतु में करवाना चाहिए। बाकी अगर कोई डिजीज पर्सन है जैसे किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है, जॉइंट डिसऑर्डर्स है, उसको ऋतु के हिसाब से वेट नहीं करना चाहिए, वो
अपने प्रॉब्लम के हिसाब से वो कभी भी पंचकर्मा करवाया जा सकता है। एक और अहम सवाल, क्योंकि अगर हम बात करें हिंदुस्तान को लेकर, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो कभी भी, मतलब ब्रेकफास्ट को लेकर बात करें तो ब्रेकफास्ट समय पर नहीं कर पाते हैं, अगर हम लंच को लेकर बात करें तो लंच समय पर नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारा खाना पीना सही समय पर होता ही नहीं होता है, और इस दौरान जो मन करता है वो हम खा लेते हैं, इस वजह से भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल था, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है गाजियाबाद से। प्रिया है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं डॉक्टर से पूछ चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने अभी बताया कि हमें पंचकर्मा फॉलो करते वक्त थोड़ा डाइट पे रिस्ट्रिक्शन रखने पड़ते हैं, जैसे चाय कॉफी छोड़ना, तो ये जैसे इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है आजकल की, हम लाइक ऑफिस गोइंग है तो थोड़ा सा मतलब एक हैबिचुअल चाहते हैं चीजों के लिए, तो इसके लिए हमारे पास क्या और ऑप्शन है कि हम इस चीज को फॉलो कर पाए। हाँ हाँ जी प्रिया जी, देखिए अगर ऐसा है कि हम, बहुत लोगों का होता है ये चाय कॉफी बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, केवल पंचकर्मा जब हम शुरू करवाते हैं पेशेंट्स का तो उस समय हम उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी केवल 5-7 दिन के लिए, जब पेशेंट का घृत हम जब पंचकर्मा करवाते हैं उस समय कुछ दिन के लिए मेडिकेटेड घी पेशेंट्स को पिलाते हैं, तो उस समय तो हमें चाय कॉफी का आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और हम बोलते हैं अगर आपको स्वस्थ होना है तो छोड़ना ही पड़ेगा, 99% लोग वो चीज छोड़ देते हैं, और ऐसा भी हमने देखा है एक बार जब पंचकर्मा करवाते हैं उस प्रोसेस में छोड़ देते हैं, वो आजीवन लेते ही नहीं है, तो यहाँ पर तो हम पेशेंट का काउंसलिंग जो है डॉक्टर की तरफ से वही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड उससे फायदा जब पेशेंट को होता है, चाय कॉफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने चाय पी के हमारा सिर दर्द दूर हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉफी पी के सिर दर्द दूर हो जाता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी गर्म पानी पी लें, गर्म दूध पी लें, आप उस समय आप जब पियेंगे ना तो आपका वात बैलेंस होता है, सिर दर्द हमारा क्यों होता है, हमें भूख लगती है, हमारे बॉडी में वायु बढ़ जाती है, तो उस समय हम कुछ भी ऐसा आहार विहार ले लेते हैं तो खत्म होता है, गर्म चीज पीने से खत्म होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो अंग्रेज हैं ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने आके कुछ ऐसा किया कि चाय की आदत डलवा दी, लेकिन चाय हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एंड उस समय आप गर्म पानी पी के देखें आपका सिर दर्द, मैं बोलती हूँ जरूर दर्द होगा, गर्म दूध पिए, यहाँ पंचकर्मा में प्रोसेस में आपको गर्म दूध नहीं पीना होता है, लेकिन वैसे भी कभी सिर दर्द हो रहा है कुछ हो रहा है हर्बल टी पिए तो आपसे जो हेडेक है या एक हैबिचुअल एडिक्शन जिसको बोली जाती है उससे हम निजात पा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, हमारे साथ पवन माहेश्वरी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया, आप बताइए पवन जी। बस सर, डॉक्टर साहब मेरे ना खरगोश के पेट में दर्द रहता है, अल्ट्रासाउंड कराया था, फिट हूँ, बाकी सब ब्लड की टेस्ट वैसे सब बढ़िया है, लेकिन दर्द बंद नहीं है। अच्छा, पेट के किस हिस्से में दर्द रहता है पवन जी? ये पूरे पेट में। पूरे पेट में आपके दर्द रहता है, जैसे नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे? जी जी नाभि के नहीं, पूरी चारों तरफ रहता है। चारों तरफ रहता है। अल्ट्रासाउंड आपका बिल्कुल नॉर्मल आया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपका आहार विहार कैसा है पवन जी, जरा बताएंगे आपका खाने की दिनचर्या कैसी रहती है, कैसे खाते हैं आप? खाने की दिनचर्या मैं नॉर्मल सुबह नाश्ता कर लेता हूँ, सुबह एक लेमन टी पीता हूँ, उसके बाद मैं 9:30-10 बजे करीब ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ले लेता हूँ, उसके बाद खाने का टाइम 1 बजे से 2 बजे तक का है। अच्छा ठीक है, आप जब भूख लगती है तभी खाते हैं या 1 से 2 बजे के बीच में खा लेते हैं? नहीं, भूख लगती है जब ही भूख लगते हैं। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, एंड बिना भूख के कभी ये समय हो गया इसलिए मत खाइए। खैर आगे बताइए, रात का खाना आप कब खाते हैं? रात का खाना मैडम कम समथिंग मान लीजिए डॉक्टर साहब 9 और 10 के बीच। रात का खाना के लिए हम थोड़ा सा आपको मैं एम्फसाइज करूंगी, रात का खाना आप थोड़ा सा जल्दी करें, रात का भोजन जल्दी खाएं, कब्ज तो नहीं रहती है, पेट आपका साफ रहता है? हाँ, पेट में मेन प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है। हाँ, तो जो मूल समस्या है पवन जी आपको कब्ज की, और अगर हम पंचकर्मा का विषय है जैसे आज हमारा हम पंचकर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका वस्तिकर्मा आपके लिए बहुत ही उपयुक्त साबित होगा, आप वस्तिकर्मा कराएं, क्योंकि वात दोष की जो वायु दोष है उसकी मुख्य चिकित्सा है। अगर हम एक बार आप अलीगढ़ में हैं, अलीगढ़ में किसी पंचकर्मा सेंटर पे किसी डॉक्टर से मिलें, पेट पे अभ्यंग करें, एक तेल आता है, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगी, शायद अगर गैस की समस्या होगी तो आपका बहुत ही आराम मिलेगा, हिंगू त्रिगुण आदि तेल, हिंगू त्रिगुण आदि तेल से आप पेट का अभ्यंगम करें, अभ्यंगम का मतलब आयुर्वेद में मसाज से होता है, पेट पे गोल गोल गोलाई से हल्के हाथों से रात के समय सोते समय अभ्यंग करें, एक चम्मच हिंगू त्रिगुण आदि रात को पी भी लें,
और रात का भोजन जल्दी करें, बस ये तीन चार चीजों का पालन करें और वस्ती कर्मा करवा ले तो निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। अभी आपने यहाँ पवन जी को तो सलाह दी, लेकिन डॉक्टर आंचल ये बताएं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो टाइम आपने बताया है कि भोजन पहले कर लेना चाहिए, शाम के वक्त कर लेना चाहिए, लेकिन ऑफिस में रहते हैं, इस दौरान घर का खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम तो घर जाकर ही खाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन? हाँ, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और आज की दृष्टि इस तरह का लाइफस्टाइल है, जिस तरह के लोगों की जॉब्स हैं, नाइट शिफ्ट है, रात को लेट आते हैं, 10-10, 11 बजे रहे हैं, फिर उसके भोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी सलाह यही रहती है कि अगर आपका ऐसा है तो रात को बहुत हल्का सुपाच्य भोजन करें, लौकी का सूप पी सकते हैं, केवल सब्जी बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, रात को गर्म दूध पी के मात्र सेवन करें। इसके लिए अगर आपको भूख लगती है तो शाम को 5, 4, 5, 7, 6 बजे के आसपास आप थोड़ा सा भोजन या नाश्ता जैसे बोला जाता है, इवनिंग स्नैक्स जैसे बोला जाता है, वो थोड़ा हैवी मात्रा में कर लें। सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, लंच अच्छे से करें, लेकिन रात को भोजन लेट करना, हैवी करना, आज के टाइम पे जितनी भी पेट की समस्याएं हैं उसके लिए बहुत बड़ा रीजन है। रात का भोजन मुख्यतः हमेशा लाइट ही करना चाहिए और जल्दी ही करना चाहिए। जी, अभी हमने आपसे इतनी सारी जानकारी ली, खासतौर पर आपने आहार को लेकर यहाँ पर बात की है, लेकिन लोग कुछ भी खा लेते हैं जो उनके मन में आता है कि बस खाने को चाहिए, कुछ भी मिल जाए, तो क्या डिटॉक्सिफिकेशन आहार अपनाने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है? क्या इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं अगर इसी तरीके से खाना खा लेते हैं तो? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर आपने आयुर्वेद में पंचकर्मा करवा रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। पंचकर्मा से ज्यादा या फिर हम उसके बराबर का ही हम उसमें फोकस बोलते हैं कि आपका डाइट का है। कुछ ऐसे पेशेंट देखे हमने सुने कि उन्होंने पंचकर्मा कहीं पर करवाया और उनको कोई डाइट नहीं बताई गई और उनके दुष्प्रभाव सामने आए, उनको IBS जैसी प्रॉब्लम, गृहिणी जैसी समस्या हो गई। तो जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर पंचकर्मा है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम पेशेंट को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं उसकी डाइट है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे आप पंचकर्मा करवाने के बाद जो पश्चात कर्मा है उसे संसर्जन कर्मा बोलते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे दर्शक भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम यहाँ पर रोकना नहीं चाहेंगे। कीर्ति है हमारे साथ गाजियाबाद से, कीर्ति जी पूछिए अपना सवाल। जी मतलब हमारी बॉडी में कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं? बॉडी में जो हमारा मेन डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गन है वो हमारा इंटेस्टाइन है। जैसे बॉडी का जो पंचकर्मा होता है ना, वो पूरी बॉडी का क्लिंसिंग है। पंचकर्मा से एक एक बॉडी सेल्स का क्लिंस किया जाता है, लेकिन जो मेन ऑर्गन उसमें काम करता है वो हमारा स्टमक कोष्ठ है। कोष्ठ में ही सारे दोषों को लाया जाता है, कोष्ठ यहाँ पर बोलूंगी आमाशय को, स्टमक को, वहां पर सारे दोष इकट्ठे किए जाते हैं और वो वमन के माध्यम से या तो उल्टी के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं या विरेचन के माध्यम से, लूज मोशंस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी तरह जब एनीमा दिया जाता है, जिसको हम एनीमा वस्तिकर्मा बोलते हैं, एनल रूट के थ्रू दवाई डाली जाती है, मेडिकेटेड काढ़े डाले जाते हैं, घी डाले जाते हैं, तेल डाले जाते हैं, जिससे बॉडी के सारे दोषों, जो कि स्नेहन, हमने बॉडी मसाज किया, स्वेदन, बॉडी की सिकाई किया, उससे बॉडी के दोष हमारे पेट में इकट्ठे हुए और फिर वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो GIT सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसमें हमारा मुंह से लेके एनल रूट, जो हमारे गुदा मार्ग है, वो पूरी वो हमारा मेन इसमें काम करता है। बाकी नस्यम जो होता है उसमें हम नोज में दवाई डालते हैं, नोस्ट्रल्स में दवाई डालते हैं और उसे सिर के दो दोष हैं उनको बाहर निकालते हैं। जी, हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आंचल माहेश्वरी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धन्वंतरिश्चंद्रमा।